गिनती की पुस्तक अध्याय 23, गिनती की पुस्तक अध्याय 23। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहां पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेंढे तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होमबलि के पास खड़ा रह और मैं जाता हूं, संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाश करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब वह एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमेश्वर बिलाम से मिला और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की है और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यो कहना, और वह उसके पास लौटकर आ गया और क्या देखता है कि वह सारे मुआबी हाकिमों समेत अपने होमबलि के पास खड़ा है। तब बिलाम ने अपनी गुढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मुआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा, आ मेरे लिए याकूब को शाप दे, आ इसराइल को धमकी दे, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने नहीं शाप दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूं। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब के धूली के किनके को कौन गिन सकता है, व इसराइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है? सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने को बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना न चाहिए? बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल जहां से वे तुझे दिखाई देंगे, तू उन सबों को तो नहीं केवल बाहर वालों को देख सकेगा, वहां से उन्हें मेरे लिए शाप दे। तब वह उसको सोपिम नाम मैदान में पिसगा के सिरे पर ले गया और वहां 7 वेदियां बनवाकर प्रत्येक पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। तब बिलाम ने बालाक से कहा, अपने होमबलि के पास यही खड़ा रहे और मैं उधर जाकर यहोवा से भेंट करूंगा। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा कि बालाक के पास लौट जा और यो कहना, और वह उसके पास गया और क्या देखता है कि वह मोआबी हाकिमों समेत अपने होमबलि के पास खड़ा है। और बालाक ने पूछा कि यहोवा ने क्या कहा है। तब बिलाम ने अपनी गुढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक मन लगाकर सुन, हे सिप्पोर के पुत्र मेरी बात पर कान लगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इसराइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। उनको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाल ले आया है। वह तो बनेल सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इसराइल पर भावी करना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इसराइल के विषय
अब यह कहा जाएगा कि परमेश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सुन, वह दल सिंहनी की नाई उठेगा और सिंह की नाई खड़ा होगा। वह जब तक अहेर को खा न ले और मारे हों के लोहू को न पी ले तब तक न लेटेगा। तब बालाक ने बिलाम से कहा, उनको न तो शाप देना और न आशीष देना। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा? बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान ले चलता हूँ। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहां से मेरे लिए शाप दे। तब बालाक बिलाम को पोर के सिरे पर, जहां से यशीमोन देश दिखाई देता है, ले गया। और बिलाम ने बालाक से कहा, यहां पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और यहां 7 पछड़े और 7 मेंढे तैयार कर। बिलाक के कहने के अनुसार बालाक ने प्रत्येक वेदी पर 1 बछड़ा और 1 मेंढा चढ़ाया।